नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। एक बार जब धर्मेंद्र के सामने सुपर स्टारडम की बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये ढंग राजेश खन्ना को आता था, उन्हें नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहते हैं। उनका कहना था कि हम जैसे हैं वैसे ही चलना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र एक जमाने में अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को एक सुपरस्टार की तरह नहीं देखा और एक एक्टर बनकर ही रहे। बकौल धर्मेंद्र, वो कोई सुपरस्टार की तरह नहीं बनना चाहते थे, बल्कि जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। इसी तरह जब एक बार उनके सामने सुपर स्टारडम की बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये ढंग राजेश खन्ना जी को आता था, उन्हें नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहते हैं। दरअसल यमला पगला दीवाना फिर से के प्रमोशन के दौरान धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों सन्नी देओल और बॉबी देओल के साथ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सन्नी देओल से पूछा गया कि अपने पिता की तरह सुपरस्टार होना और उस सुपरस्टारडम को बचाए रखना मुश्किल काम है। इससे पहले कि सनी जवाब देते, धर्मेंद्र ने कहा था, ये एडजेक्टिव्स लगाने का हुनर चाहिए, हम स्टार नहीं बने हैं, हम एक्टर ही हैं। ये सुपर शब्द हमें राजेश खन्ना ने दिया, इसीलिए कि उन्हें यह ढंग आता था। धर्मेंद्र ने आगे कहा था, हमें ये ढंग नहीं आता, ना हम ये ढंग सीखेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही चलना चाहते हैं। कोई हमें नंबर एक कहे, नंबर दो कहे या तीन कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक शेर है जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम तीन में हैं ना तेरह में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत और मोहब्बत को खुदा कहते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।